हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक परिभ्रमण एक परिक्रमण। एक घूर्णन होता है जिसे रोटेशन कहते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं हम लोग परिभ्रमण के नाम से जानते हैं, और इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहते हैं दैनिक गति। मैंने इसे दो नाम से जानते हैं, एक तो परिभ्रमण और एक दैनिक गति। परिभ्रमण और दैनिक गति को रोटेशन कहते हैं, इसे हम घूर्णन कहते हैं। यह क्या होती है? दैनिक गति होती है। तो पृथ्वी क्या होती है? ये गति करती है, अपने धुरी पर घूमती है। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी घूमती है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमने की वजह से ही दिन रात होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है। तो पृथ्वी का दिन रात होने का जो कारण निकला वह यह निकला, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए दिन रात तो होता है, लेकिन किधर से किधर घूमती है यह भी सोचने योग्य बात है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सूर्योदय पूर्व में होता है जबकि सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, इसे ही आप भी जानते हैं। लेकिन कैसे? देखिए, जैसे आप बस या ट्रेन पर जब यात्रा करते हैं तो हमने जब बाहर की तरफ देखते हैं तो हमने ये देखा होगा, आपने भी ये देखा होगा कि लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तव में आप आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन ये प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं या पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप किधर जाते हैं? आगे की तरफ। उसी प्रकार सूर्य स्थिर है, जैसा कि आप जानते हैं, तो सूर्य स्थिर है, पृथ्वी को ये पता हो गया घूर्णन करती है, तो घूर्णन करती है तो घूर्णन गति क्या होगी? पश्चिम से पूर्व होगी, क्योंकि सूर्य स्थिर है इसलिए लगता है सूर्योदय पूर्व में है, और सूर्योदय पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में हुआ। इस प्रकार जैसे ये आपका देखिए, मान लेते हैं जैसे सामने सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो भैया ये पश्चिम से जब पूर्व की तरफ जाएगी तो सूर्योदय कहाँ होगा? सूर्य तो स्थिर है ऐसे लगेगा कहाँ? सूर्योदय पूर्व में हो रहा, सूर्यास्त पश्चिम में, जबकि यह इससे दिन दिन सामने आता जाता है, वहां क्या होता है? दिन की अवधि बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती हुई अपनी धुरी पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसे हम दैनिक गति घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और इसका जो औसत समय होता है जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल में कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, वास्तव में वह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करती है? अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। अब कितना हो गया, समझ में आ गया ना आपको? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे हम कह सकते हैं लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या एक चक्कर पूरा करती है। इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण या दैनिक गति। अब जैसे अब ये देखिए कैसे घूमती है पृथ्वी, ये देखिए अक्ष एक्सिस, ये एक्सिस है, लेकिन घूमती किस क्रम में? इस क्रम में पृथ्वी घूमती है। वास्तव में एक्सिस ये है, लेकिन घूमती क्या? इस तरह से घूमती है, किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरह घूमती है, इसलिए सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है। एक कॉन्सेप्ट आगे आप बढ़ते हैं हम लोग, फिर ये हम लोग देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। ये बात तो अब समझ में आ गई, ये बात कन्फर्म ही हो गई आपको। लेकिन जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है उसकी गति क्या है? देखिए यहाँ पे गति, अगर भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो यहाँ ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितना? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं यही गति पश्चिम से पूर्व चल रही, तो जो जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं ऐसी गति क्या होती है? निरंतर कम होती जाती है। यहाँ पे जैसे 1275 किलोमीटर प्रति हावर्स, यहाँ भी देखिए 1275 किलोमीटर प्रति हावर्स, इस प्रकार ध्रुवों पर जाते हैं तो एकदम कम हो जाती है। तो हमने भी यह सीखा कि भूमध्य रेखा से जब दोनों गोलार्ध दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वह भी लगातार क्या होती है? कम होती जाती है। इस गति के कारण भी क्या क्या चीज होती है ये देख लीजिएगा। इसके कारण जैसे पृथ्वी के अपकेंद्री बल भी काम करता है, ठीक, किसी वस्तु को बाहर फेंकने का, इसलिए यहाँ पे जो अपकेंद्री बल का मान होता है वह भी क्या होता है?
अंतर आने लगता है। इस प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे त्यों त्यों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं त्यों तो गुरुत्वाकर्षण का मान लगातार बढ़ता जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पृथ्वी पे सबसे न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ पे होती है, तो वह होती है भूमध्य रेखा या जीरो डिग्री पर। गुरुत्वाकर्षण की मान न्यूनतम होती है और अधिकतम कहाँ होती है, दोनों ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ठीक, ये बातें स्पष्ट हो गई, यह बातें आपको समझ में आ गई। अब और आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने इतनी बातें सीख ली, अब आगे देखने का जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति से और क्या क्या चीजें होती हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात की अवधि में अंतर, दोनों ध्रुवों पर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में अंतर, और एक बातें देख लीजिएगा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ घूम जाती हैं। इसे कोरियालिस बल कहते हैं। माने कोरियालिस बल या कोरियालिस प्रभाव कहां से आया, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। कोरियालिस बल क्या था, अभी आगे हम लोग हवाएं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, लेकिन यह जान लीजिएगा कि दोनों गोलार्धों में जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, अपनी दिशा बदलती हैं। दिशा कैसे बदलती हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं तरफ जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ। ये भूमध्य रेखा हो गया। अब कोई हवा चली, जैसे हवा को यहां आना था यहां से यहां, लेकिन जब तक यह हवा यहां से यहां तक आती तब तक यह स्थान खसक के कहां गया, यह स्थान, और आगे चला गया, तो हवाएं वास्तव में कहां पहुंच जाती हैं, यहां पहुंच जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो कहां घूम जाती हैं, अपनी दाई तरफ घूम जाती है। दाई तरफ जाना यहां था, लेकिन वास्तव में जैसे यही पृथ्वी घूम रही, हमने सीखा है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चक्कर लगा, इधर से इधर जा रही है। भाई जब तक ये यहां पहुंचती या इससे आगे चला गया तो कहां पहुंच गई, यहां। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाई तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए हवाएं चली इधर लेकिन कहां घूम गई, टर्न हो गई, यहां जाना था यहां लेकिन चली किधर गई, इधर चली गई। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ देख रहे बाईं तरफ, जबकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ घूम जाती हैं। कौन से बल के कारण, कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस बल के कारण। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं, दक्षिण गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ। ये ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण ही यह अंतर उत्पन्न होता है। और दिन रात की अवधि में जो अंतर आता है वह भी पृथ्वी के दैनिक गति कारण ही दिन रात होता है। दिन रात की अवधि भी कम ज्यादा होने के कारण भी क्या है, पृथ्वी का अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुका होना। तो एक कच्ची झुकाव हो गया, एक कोणी झुकाव। तो कोणी झुकाव क्या है, कोणी झुकाव पृथ्वी का कोणी झुकाव क्या है, कोणी झुकाव या अच्छी झुकाव एक कही है, फिर कच्ची झुकाव। तो अच्छी झुकाव 23.5 अंश और कच्ची झुकाव 66.5 अंश। तो ये दोनों चीजें भी आप जानते रहिएगा, ये आपने पढ़ा भी है, आप जान रहे हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो जैसे हवा यहां से आना था इधर से पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो यहां ना आकर कहां थी, यहां, जैसे यही पश्चिम से पूर्व घूम रही है, हवा यहां से आना था, लेकिन जब तक हवा यहां से पहुंचती है स्थान कहां गया, यहां गया। हवा किधर होगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, दक्षिण गोलार्ध में। ये भूमध्य रेखा है, हवा यहां जाना था लेकिन पृथ्वी घूम क्या होगी, यहां गई। इसलिए हवा कहां, यहां से जगह यहां गई। तो पृथ्वी की ये दैनिक गति के कारण ही इस तरह से क्या होता है, ये चीजें उत्पन्न होती हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी परिभ्रमण पढ़ लेंगे, ये तो हो गया परिभ्रमण। अब इसके बाद जब परिक्रमण पढ़ेंगे तो और चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो उसके बाद दोनों सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये हमने जो चीजें प्रमुख रूप से था वो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी की दैनिक गति में क्या होता है। अच्छा, एक चीज और होता है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही ज्वार भाटा भी दिन में दो बार आते हैं, लघु ज्वार, उच्च ज्वार। ज्वार भाटा क्या है, अभी देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, उपभू अपभू पढ़ेंगे। तो इसके लिए, लेकिन अभी ये जान लीजिएगा, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही क्या होता है, ज्वार भाटा का भी जन्म होता है या उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की दैनिक गति से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखा हवाओं की दिशा, फिर गुरुत्वाकर्षण का मान और उसकी गति में अंतर, गति देखे ना, भूमध्य रेखा पे गति और ध्रुवों की तरफ गति में अंतर, दिन रात का होना और कोरियालिस बल का काम करना, ये सब पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही होता है। दिन रात की अवधि में अंतर, झुकाव के कारण,
तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर, आपके सामने आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी ई लर्निंग विद दुर्गेश को सर्च करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो लिंक को आप सभी तक भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जीएस में इसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम वैकल्पिक विषय भूगोल को भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आगामी परीक्षा के लिए, और आप पढ़ते रहिए, सभी को शेयर करते रहिए, ताकि उन तक भी मेरी बातें हो, ये शायद वो वीडियो पहुंच जाए, ताकि वह भी भूगोल को समझना शुरू कर दे और आप भी पढ़ना शुरू कर दे। जय हिंद, जय भारत।